मुंबई के मुलुंड में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जूते मारो आंदोलन किया। कुछ दिनों पहले किरीट सोमैया का प्राइवेट वीडियो वायरल होने के बाद अब विरोधी पक्ष एकजुट हो गए हैं और जमकर किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। जो ईडी को लेकर के आया उसका सीडी निकल गया, ये हम लोग कहना चाहते हैं। और हमारा ये मानना है कि एक होता है गलती गुना, और जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता, जब कोई नेता वो करता है तब वो और ज्यादा अहम मुद्दा होता है, उसकी सजा और ज्यादा होनी चाहिए, ये हमने सीखा है। और चुन के आए हुए सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के अश्लील हरकत करते हैं, किसी महिलाओं को ब्लैकमेल करके वो कर रहे हैं, ये बात सामने आ रही है। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत महिलाओं के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके जेल में डाला जाए, पहला तो ये। मुलुंड में भी कांग्रेस की ओर से स्टेशन परिसर के बाहर आंदोलन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित थी, जहां किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और इस संदर्भ में पुरुषाचं ही अपेक्षा नव्हती की महिलांवरती जो अत्याचार त्यांनी केलेला आहे, हा अत्याचार केलेला आहे त्या अत्याचाराचा निषेध करण्यासाठी आणि त्याचं आंदोलन करण्यासाठी आम्ही इथे सर्व महिला काँग्रेसच्या वतीने, ईशान्य मुंबई महिला काँग्रेसच्या वतीने, मुंबई काँग्रेसच्या वतीने, तसं ईशान्य बेसिक काँग्रेसच्या वतीने आम्ही इथे संपूर्ण उतरलेलं आहे। जोपर्यंत किरीट सोमय्यावरती जो हे अटक होत नाही आहे, त्याच्यावरती जे आरोप हे होत नाही आहे, तोपर्यंत आम्ही प्रत्येक वॉर्डमध्ये, प्रत्येक तालुक्यामध्ये, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असाच आम्ही निषेध मोर्चा आणि आंदोलन घेत जाणार आहोत। किरीट सोमैया को गिरफ्तार करने की मांग भी की गई। मुलुंड परिसर में अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। मेट्रो मुंबई के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएमसी के कथित कोरोना घोटाले में ईडी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर और डॉक्टर किशोर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के दौरान बनाए गए कोविड सेंटर में हुए कथित घोटाले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत के दो कर्मियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें राउत के करीबी सुजीत पाटकर भी शामिल है। कोरोना काल में मुंबई नगर निगम की ओर से मुंबई में कई जगहों पर जंबो कोविड सेंटर बनाए गए थे। आरोप है कि उस समय मुंबई नगर निगम ने अयोग्य लोगों को कोविड सेंटरों का ठेका दे दिया था और इस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आपत्ति जताई। जितनी कंपनियों को ठेका दिया गया उनमें से कोई भी कंपनी अनुभवी नहीं थी। इनकी स्थापना कोविड से कुछ समय पहले की गई। नगर निगम की ओर से कई नियमों को दरकिनार कर इन कंपनियों को ठेके दिए गए, जिसके बाद कोविड घोटाला मामले में किरीट सोमैया के आरोप लगाने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया। अब इस मामले में आज ईडी ने मुंबई में करीब 15 जगहों पर छापेमारी की। इन आरोपों पर संजय राउत ने कहा कि वह सिर्फ मेरे दोस्त है। ईडी की जांच में सुजीत पाटकर के घर पर अलीबाग जमीन लेन देन के कागजात मिले हैं। दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बॉलीवुड के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल आए दिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। कभी वो जबरदस्त स्टंट करते हुए नजर आते हैं तो कभी डांसिंग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते हैं। इस बार वो मेट्रो में सफर करते हुए दिखे। सोशल मीडिया पर एक्शन हीरो की मेट्रो में सफर करते हुए तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। एक्टर विद्युत जामवाल अपनी फिटनेस और सरलता के लिए काफी मशहूर है। हाल ही में एक्टर मुंबई की भारी बारिश के बीच मेट्रो से यात्रा करते दिखे। इस वक्त एक सफेद कपड़े से उन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ था। हालांकि एक यूजर ने उन्हें किसी फिल्म के प्रमोशन की तरकीब बताते हुए ट्रोल करने की कोशिश की। वहीं कुछ यूजर्स ने उनकी सरलता की तारीफ की है। विद्युत आखिरी बार IB71 में दिखाई दिए थे। इस फिल्म को खुद विद्युत ने ही प्रोड्यूस भी किया। दर्शकों ने इस फिल्म में उनके अभिनय की तारीफ की है। अब मेट्रो में सफर करने के दौरान लोग उन्हें ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो। मुंबई के थाने में एक दिल दहला देने वाली घटना। यहाँ अंबरनाथ जाने वाली लोकल ट्रेन कल्याण और ठाकुरली रेलवे स्टेशन के पास घंटों से खड़ी थी।
बारिश के चलते पटरियों पर पानी भर गया था और इसी वजह से ट्रेन आगे नहीं जा रही थी। इसके बाद लोग लोकल ट्रेन से उतरकर ट्रेन के ट्रैक पर चल रहे थे। इस दौरान ट्रेन पर चल रहे एक दंपत्ति के हाथ से बच्चा फिसल गया और वो नाली में बह गया। दरअसल वो जिस ट्रैक को पैदल पार कर रहे थे उसके नीचे एक नाला बह रहा था। इसी दौरान अचानक से बच्चा दंपत्ति के हाथ से फिसल गया। ये घटना बुधवार के दोपहर 3:45 की है। वारदात के बाद मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका। इस घटना के बाद का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे के नाले में बहने से महिला रो रही है। फिलहाल बच्चे के शव को खोजने में पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगे हुए हैं। बता दें, इससे पहले भिवंडी में एक ऐसी ही घटना हुई थी। यहां 14 साल की लड़की नाले में गिरने के बाद बह गई थी। पुलिस ने उसकी लाश बरामद कर ली। ये हादसा भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की सीमा में टेमगढ़ शासन की भूमि के पास हुआ। नाले में बहने वाली युवती का नाम सुजाता बब्बन है। इस वीडियो को जो कोई देख रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा वीडियो नहीं आता तो नहीं बोलते प्रधानमंत्री। मणिपुर में हुई हिंसा पर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा का वीडियो सामने नहीं आता तो नहीं बोलते प्रधानमंत्री। 2 महीने से ये क्या हो रहा है? पीएम मोदी को सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए। प्रधानमंत्री को 2 महीने बाद याद आया कि वहां कुकी समुदाय का नरसंहार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो मजबूरन रिएक्ट किया है, क्योंकि वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। कैसे महिलाओं को पुलिस कस्टडी निकालकर उनके कपड़े उतारकर उनके पिता भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर 15 साल का लड़का 40 साल की महिला का रेप करता है। अगर वीडियो नहीं निकालता, वायरल नहीं होता तो शायद प्रधानमंत्री इतना रिएक्ट नहीं करते। ओवैसी ने आगे कहा कि 2 महीनों में 130 चर्चों को जला दिया गया, 6000 हथियारों को लूटा गया, 60000 गोलियों को लूट लिया गया और 50000 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने बाद अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। कश्मीर में ऐसा होता तो पता नहीं कितने लोग मार दिए जाते। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा का पूरा घाव खत्म हो गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका के इरशालवाड़ी में भूस्खलन के कारण बड़ी आपदा आई है। रात में हुई इस घटना में गांव के कई घर मलबे में दब गए, करीब 50 घर तबाह हो गए। हादसे के बाद बचाव कार्य अभी भी जारी है। 80 से 100 लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। वहीं हादसे की भयावहता सुन लोगों के होश उड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर विपक्षी पार्टी के तमाम नेता घटना स्थल पर पहुंचे हुए थे और मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। 50-60 में से केवल 10 घर बचे हैं, बाकी सब घर तबाह हो चुके हैं। 10 फीट के मलबे में मकान दबे हुए हैं। इस ढेर को आसानी से नहीं उठाया जा सकता, इसीलिए युवाओं ने ये भी कहा कि बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण है। साथ ही मुख्यमंत्री का कहना है कि बारिश के कारण हेलीकॉप्टर से भी बचाव कार्य नहीं किया जा सकता और बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तकलीफ हो रही है। आम जनता को एक बार फिर बड़ा झटका लगेगा। पहले टमाटर के दाम, अब दूध के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। 3 रुपए लीटर बढ़ सकते हैं दूध के दाम। महंगाई से आम जनता को फिलहाल राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं। एक एक करके खाने पीने की सभी चीजें महंगी होती जा रही। पहले टमाटर की कीमतें बढ़ी, वहां लोगों का बजट बिगड़ा और अब दूध महंगे होने की बात कही जा रही है। 3 रुपए दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बताएं कि भारी बारिश के कारण चारे के साथ साथ पशु आहार पर भी 25%
तक महंगे हो गए और इसका सीधा असर दूध प्रोडक्शन पर पड़ रहा। अब किसानों को दुधारू मवेशियों के आहार पर पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं और ऐसे में किसान डेयरी कंपनियों को महंगे रेट पर दूध बेच रहे हैं और यही वजह है कि लागत अधिक आने से डेयरी कंपनियां भी दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने के बाद महंगे दर पर दूध बेच रही है और अब लाल दूध जो कि उसके दाम बढ़ सकते हैं। शरद पवार को अजीत पवार ने एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र के बाद नागालैंड में भी पार्टी टूट गई और नागालैंड में 7 विधायक अजीत गुट में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद शरद पवार के लिए ये सबसे बड़ा झटका रहा। 60 सीटों वाले नागालैंड विधानसभा में फिलहाल नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP के पास 25 और भारतीय जनता पार्टी के पास 12 विधायक हैं और इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास सबसे अधिक 7 विधायक थे जो अब सभी शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार के साथ आ गए। नागालैंड में BJP NDPP गठबंधन को बहुमत मिला है और विधायक ही नहीं नागालैंड में पूरी प्रदेश कार्यकारिणी और जिलों के पदाधिकारियों ने भी शरद पवार का साथ छोड़ दिया। NCP अजीत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रज मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष वान थुंग ओडियो ने दिल्ली आकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात कर इसकी जानकारी दी और प्रवक्ता ब्रज मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि नागालैंड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वांतुंग ओडियो और नागालैंड प्रदेश कार्यकारिणी जिला इकाइयों को प्रफुल्ल पटेल ने यथावत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार की पार्टी NCP दोफाड़ हो गई है। अजीत पवार के साथ विधायकों की संख्या बल अधिक है, लिहाजा उन्होंने पार्टी पर भी अपना दावा पेश किया और NDA में शामिल होने के बाद अजीत पवार को महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और एक बार फिर से शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। नागालैंड में 7 विधायक अजीत गुट में शामिल हो गए। एंड्रॉइड से लेकर आईफोन तक मचेगी धूम। अडानी एक बहुत बड़ी तैयारी में जुट गए हैं जहां भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी का अडानी समूह जल्द ही एक बड़ा धमाका करने जा रहा है। बंदरगाह से लेकर हवाई अड्डे और तेल से लेकर बिजली तक का कारोबार करने वाला अडानी समूह आने वाले दिनों में अपना सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। गौतम अडानी ने फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक हालिया इंटरव्यू में इस बारे में बातें की है। उन्होंने कहा कि उनके समूह का सुपर ऐप डिजिटल दुनिया का फरारी साबित होगा। गौतम अडानी के साथ ही इस बात की भी उम्मीद जताई कि ये पोर्टल अगले 3 से 6 महीने में शुरू हो जाएगा। अडानी समूह का मोबाइल ऐप समूह के द्वारा संचालित हवाई अड्डों के यात्रियों को समूह की कंपनियों के द्वारा दी जा रही अन्य सेवाओं से कनेक्ट करेगा। अडानी समूह अभी देश के 7 हवाई अड्डों का परिचालन कर रहा है। टैक्स फ्रीड सेवाओं की भी तैयारी हो रही है। बंपर टू बंपर ट्रैफिक से भी सामना होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी का सुपर ऐप ऐसे समय में आ रहा है जब टेक कंपनियां संघर्ष कर रही है। अजीत पवार बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। संजय राउत ने ये बड़ा बयान दिया है जहां शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि भाजपा एकनाथ शिंदे को साइड कर देगी और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। सुनिए बयान। विषय अत्यंत गंभीर है। मणिपूरच्या विषयावर युरोपियन पार्लियामेंटला चर्चा होती, लक्षात घ्या, युरोपियन पार्लियामेंट लंडन, पण मणिपूरच्या विषयावर प्रधानमंत्री आपल्या पार्लियामेंटला चर्चा करू देत नसतील तर ही लोकशाहीसाठी अत्यंत धोक्याची घटना आहे। ज्याप्रमाणे प्रधानमंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली, अमित शहा त्याच्यावर बोलत नव्हते, कुठेतरी केंद्र सरकारला या मणिपूरमध्ये जे दंगे होण्यासाठी अपयश मिळतंय का असं वाटतं? नक्कीच, 70 दिवस होत आले, मणिपूर अजून शांत करता येत नाही
आणि तुम्ही इथे बसून जगाचे प्रश्न सोडवायच्या गोष्टी करता, विश्वगुरू म्हणवता, अजून काही म्हणवता, त्यांचे जे भक्त मंडळ, मणिपूर शांत करा. किती वेळ लागतो? मणिपूर हा एक देशाचाच भाग आहे. मणिपूरची जनता या देशाची नागरिक आहे. मणिपूरच्या महिलांना रस्त्यावरती आणून लग्न करून मारलं जात आहे ही या देशातल्या 140 कोटी जनतेसाठी चिंतेची गोष्ट आहे. समान नागरी कायदा आणताय ना, मणिपूरमधला कायदा आणि सुव्यवस्था आधी नीट करा. तेवढी हिंमत तुमच्यात आहे का? पण हे सत्य स्वीकारलं पाहिजे आता शिंदे गटाने. ये बहुत ही गंभीर बात है कि मणिपुर की हिंसा, जिसके ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट में चर्चा होती है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम पर चर्चा होती है, यूनियन में सवाल खड़े होते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में लंबी बहस और चर्चा होती है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर रहे, हम हिंसाचार को रोक नहीं पा रहे हैं, तो नाकाम क्या? पूरी तरह से फेलियर. देखो, कोई घोटाला इस मुंबई में नहीं हुआ है. मैं आपको पहली बात, आपको ईडी और सीबीआई की मोड़ो सब सगळं हेच तर नाटक आहे ना. मुंबईतला किंवा महाराष्ट्रात कोविडच्या संदर्भात उद्धव ठाकरे यांनी केलेला कामाला हा डाग लावण्याचा प्रयत्न आहे, आणि मग आम्हाला बदनाम करायचं सगळ्यांना. मग तुम्ही किती बदनामा? तुमच्यावरचे डाग सांगा. राधाकृष्ण विखे पाटला संदर्भात मी ईडीला पत्र लिहिलेलं आहे. झाकीर नाईक टेररिस्ट, हा दाऊदचा हस्तक, किती कोटी आले त्याच्या अकाउंटला, ईडी काय चौकशी करते? नवाब मलिकना पकडलं, इकबाल मिर्चीला सोडलं, आता तुमच्या पक्षात घेतलं, राहुल कुल 500 कोटीचं मनी लॉन्ड्रिंग. तुमचेच निकटवर्तीय आहेत ना, शब्द निकटवर्तीय. हा 500 कोटीचं मनी लॉन्ड्रिंग भीमा पाटस सहकारी साखर कारखाना. दादा भुसे 178 कोटीचं मनी लॉन्ड्रिंग, कुठे गेले पैसे? एकनाथ शिंद्यांचे निकटवर्तीय ना. बाकी सगळे ईडीचे पदवीधारक तुमच्या मंत्रिमंडळात आहेत ना? आहेत ना. मग काय? उत्तम सेवा कोविड सेंटर्सने या मुंबईत महाराष्ट्रात दिलेली आहे. लोकांचे प्राण वाचवले, पण बदनाम करायचं, लोकांना त्रास द्यायचा, छळ करायचा. पण लक्षात ठेवा, 2024 सरकार बदलेल, आणि ज्यांनी ज्यांनी या खोट्या कारवाया केलेल्या आहेत त्या सगळ्यांना त्याची उत्तरं द्यावी लागतील, हिशोब द्यावा लागेल.